चलो इसी के साथ रुक करते हैं स्वक की बड़ी खबर का। बड़ी खबर उत्तराखंड से बता रहे हैं हम आपको, जहां सीएम धामी का भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। आज सीएम धामी भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे, प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे सीएम धामी। हेली सेवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। राहत कार्यों में तैनात अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां आज सीएम धामी भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण वो खुद करेंगे और राहत कार्य किस प्रकार से उनके लिए किए जा रहे हैं, अधिकारियों के साथ जो है बैठक करेंगे और सारे निर्णय जो है इस बैठक में लिए जाएंगे। चलिए तो बता दें कि उत्तराखंड में जो भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है वहां सीएम धामी का आज दौरा है और प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेंगे सीएम। इस वक्त की स्थिति बहुत ही ज्यादा जो है दुखदायक है उन लोगों के लिए जो इस भूस्खलन की चपेट में इनके घर आए हैं, इनके घर बर्बाद हो गए, इनकी प्रॉपर्टी जो है बर्बाद हो गई। ऐसे में आज खुद मुख्यमंत्री उन प्रभावित क्षेत्रों में जाकर परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। तो बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां आज सीएम धामी का चलिए के साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ देहरादून से हमारे ब्यूरो चीफ अविनाश गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अविनाश, आज सीएम धामी भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे और परिवार वालों से भी मुलाकात करेंगे जो इस भूस्खलन की वजह से प्रभावित हुए हैं, क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए श्वेता, अगर बात करें भूस्खलन की, जोशीमठ में जिस तरीके से जो है वो जमीन धस रही है, मकान जमींदोज होने जा रहे हैं, वो लगातार जो है दरारें पड़ रही है, उसको लेकर बाकायदा दो तीन दिन से लगातार ये कवायद चल रही है। पुष्कर सिंह धामी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसको लेकर आपदा प्रबंधन के साथ अधिकारियों के साथ बैठकें भी हो रही है और बाकायदा जो 14 सदस्य टीम है राज्य सरकार की ओर से वहां गई थी, जो जनता से रूबरू हो रहे थे, उनकी पीड़ा को समझ रहे थे और जो क्या क्या स्थितियां हैं वो सब जो है अवगत करा रहे थे सरकार को, उसी के साथ वैज्ञानिकों की टीम भी जो है वहां पर पहुंची हुई है। वो जो वहां सर्वे कर रही है, इसके कारणों की जो है जांच की जा रही है, किस वजह से हुआ, ये तमाम चीजों को लेके आज पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री है वो खुद वहां पे स्थल पे पहुंच रहे हैं और जो पीड़ित परिवार है उन लोगों के साथ वो जो है वहां पे दुख साझा करेंगे और उनको किस तरीके की सहायता दी जाए, उनके लिए क्या कार्य किए, क्या कार्यक्रम है और कहां कहां उनको विस्थापित किया जाएगा, किस तरीके से उनको पुनर्वास की योजना में सम्मिलित किया जाएगा, ये तमाम चीजों पर आज वो वहां पे अधिकारियों के साथ जो है बैठक करेंगे और साथ में अभी उन्होंने सभी जो अधिकारी है उनको दिशा निर्देश दे दिया गया है कि जो पुनर्वास की जो अभी योजना चल रही है, जो इनको विस्थापित किया जा रहा है, कहां कहां इनको शिफ्ट किया जा रहा है, तमाम राहत सामग्री इनको प्रोवाइड किए जाए और 4,000 रुपए भी देने की बात की गई थी और जो मकान है इनको बनाने के लिए जो है साथ के साथ जो है अधिकारियों को संबंधित अधिकारियों को जो निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द जो है ये जो आवासीय योजना है इसको जो है क्रियान्वित किया जाए और जो बेघर होने वाले जो लोग हैं उनको वापस शिफ्ट किया जाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लोगों के पास जाके उनसे बात करेंगे और अपनी ओर से पूरी जी जान से जो है जी जान लगाएंगे ताकि लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जल्द से जल्द हो, लोगों को अपने घर वापस मिले और सुरक्षित जो है उत्तराखंड की जनता रहे।